Hello everyone, so this video going to Code Forces Round 747 Division 2 Problem E1 that is Rubik's Cube Coloring Easy Version. Before moving on, make sure you like this video and also subscribe to the channel for more such amazing videos. Okay, so as always, let us start by understanding the question Rubik's Cube Coloring Easy Version. It is the easy version of the problem. The difference is that in this version, there are no nodes with already chosen colors.

माइनस वन डोंट है क्या बोला गया कि एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है विथ टू की पावर के माइनस वन नोट्स अब मान लो के वैल्यू है थ्री ठीक है तो ये कितना हो जाएगा सेवन इसका मतलब क्या सभी के फिर आगे दिया गया है सभी के दो चिल्ड्रन है ठीक है टोटल इतने नोड्स है तो अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूं तो ये टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए सेवन के की वैल्यू क्या है थ्री मतलब हाइट अगर मैं देखूं तो ये वन टू और थ्री टोटल थ्री लेयर्स है और टोटल नोड्स है टू की पावर के माइनस वन दैट इज सेवन फिर बीच में बोला गया है इसकी डेफिनेशन दी गई है बेसिकली इसका कोई यूज नहीं है फिर भी मैं थोड़ा क्लियर कर दू ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे बोला गया है कि वन से लेके टू की पावर के माइनस वन माइनस वन ये नंबर के जो भी नोड्स है उनके दो चिल्ड्रन है जबकि टू की पावर के माइनस वन से लेके टू की पावर के माइनस वन इन नंबर के जो नोड्स है इनके चिल्ड्रन नहीं है बेसिकली मान लो ये है फर्स्ट नोड ये सेकेंड ये थर्ड ये फोर्थ ये फिफ्थ ये सिक्स और ये सेवेंथ तो अगर आप k की वैल्यू थ्री इनपुट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वन टू और थ्री है वो इस रेंज में आते हैं वन से लेके k की वैल्यू थ्री इनपुट करो तो टू की पावर थ्री माइनस वन दैट इज टू की पावर टू फोर फोर माइनस वन थ्री सो वन टू एंड थ्री ये क्या हो गया वन टू थ्री और ये टू की पावर k माइनस वन ये क्या हो गया फोर और टू की पावर k माइनस वन ये क्या हो गया सेवन मतलब कि नोड नंबर फोर टू सेवन फोर फाइव सिक्स सेवन इनके चिल्ड्रन नहीं है सिमिलरली अगर आप k इक्वल टू फोर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे और इन सभी के दो दो चिल्ड्रन आ जाएंगे और यहां से लेके यहां तक जो होगी वो ये वैल्यू होगी ये रेंज और जो लास्ट है लिफ्ट नोड्स वो इस रेंज से रिप्रेजेंट होगी सो so बेसिकली ये कहा गया है और बोला गया है कि आईथ नोड के चिल्ड्रन है वो है टू आई और टू आई प्लस वन अगर मैं यहां पे देखो थ्री किसी को भी ले सकते थ्री को ले लो तो इसके चिल्ड्रन क्या है टू आई मतलब थ्री का थ्री को अगर आई में ले लू तो आई इक्वल टू थ्री ले लू तो टू आई क्या हो गया सिक्स और टू आई प्लस वन क्या हो गया सेवन सो so, बोला गया है टू आई और टू आई प्लस वन चिल्ड्रन है ठीक है बेसिकली कंप्लीट बाइनरी ट्री की परफेक्ट बाइनरी ट्री की एक डेफिनेशन दी गई है फिर बोला है कि हमें इस बाइनरी ट्री को कलर करना है विद दी हेल्प ऑफ रूबिक्स क्यूब्स के जो छह कलर है उनकी मदद से ठीक है ट इज व्हाइट ग्रीन रेड ब्लू ऑरेंज येलो फिर आगे दिया गया है कि कैसे कलर करना है लेट्स कॉल्ड अ कलरिंग गुड वेन ऑल दी एजिस कनेक्ट नोट विदर्स आर नेबरिंग साइड्स इन रूबिक्स क्यूब्स क्या बोला गया है कि हमें इन सभी नोट्स को कोई भी एक कलर से कलर करना है और मतलब छ कलर में से छ कौन कौन से है वाइट रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज और येलो ये रूबिक्स क्यूब के छह कलर है हमें सभी नोड्स को एक एक कलर से कलर करना है ठीक है अब कलरिंग को गुड कब बोला गया है जब दो नोड्स जो कि एज से कनेक्टेड हो ठीक है उन दोनों नोड्स के जो कलर है वो रूबिक्स क्यूब में नेबर हो अगर सभी नोट्स के लिए ये कंडीशन हो तो उसको गुड कलरिंग बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल मान लो रूबिक्स क्यूब है तो जो टॉप मोस्ट पोजिशन है उसके लिए नेबरिंग कलर कौन कौन से हो गए ऑल दी फोर कलर्स आर ऑन द साइड वो खुद उसका नेबर नहीं हो सकता और जो बॉटम वाला है ऑपोजिट साइड वो उसका नेबर नहीं है जो चार साइड से बाकी की वो उनके नेबर से तो किसी भी साइड के लिए टोटल चार नेबर्स होंगे हमारे पास टोटल सिक्स साइड है वो खुद और ऑपोजिट साइड वो दो नेबर नहीं हो सकते ठीक है तो हमें यह दिया गया है यहां तक फिर आगे मोर फॉर्मली यही जो छ पॉइंट्स लिखे वो जो मैंने बताया कि जो अगर किसी भी एक सरफेस को ले ले तो उनके नेबर्स जो आसपास के चार नोड से सॉरी uh, चार सर्फेसिस है वो होंगे वो खुद सरफेस और ऑपोजिट सरफेस रूबिक्स क्यूब का वो नेबर नहीं होंगे यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ गुड कलरिंग्स ऑफ द बाइनरी ट्री टू कलरिंग्स आर कंसिडर्ड डिफरेंट इफ एटलीस्ट वन नोड इज कलर्ड विथ अ डिफरेंट कलर द आंसर में भी टू लट्स आउटपुट दी आंसर मॉड्यूलो टेन की पावर नाइन प्लस सेवन ठीक है फिर के की वैल्यू दी गई है वन से लेके सिक्सटी के बीच में और वो जो छ पॉइंट्स है उनमें मोर फॉर्मली दिया गया है कि इस कलर के लिए ये दो नेबर नहीं हो सकते एंड सोन बस बट उसका कोई यूज नहीं है ठीक है मैं समराइज कर दूँ कोई एक के दिया गया है उसके रिस्पेक्ट में एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है जिसमें टू की पावर के माइनस वन नोट्स है फॉर एग्जाम्पल के इक्वल टू फोर है तो ये हमारा बाइनरी ट्री हो जाएगा अब इन सभी नोट्स को हमें कलर करना है विद हेल्प ऑफ दिस सिक्स कलर्स ऑफ रूबिक्स क्यूब अब कलरिंग गुड कब होगा जब इन नोट्स को हम इस तरह से कलर करेंगे कि कोई भी दो नोड जो कि एज से कनेक्टेड हो कोई भी दो उन दोनों का जो कलर है वो रूबिक्स क्यूब में नेबरिंग कलर हो ठीक है और नेबरिंग कोई भी एक सरफेस कोई भी एक कलर मान लो वाइट है तो रूबिक्स क्यूब में जो वाइट सरफेस होगा मान लो वो टॉप पे है तो वो खुद और ऑपोजिट साइड वो उनके नेबर काउंट नहीं होंगे बाकी के चार होंगे तो सभी के लिए नेबर्स कितने हो गए रूबिक्स क्यूब में चार तो हमें इस तरह से कलर करने हैं नोट्स सच दैट अगर वो एज से कनेक्टेड है तो उन दोनों के जो कलर है वो रूबिक्स क्यूब में नेबर neighbor, नेबर्स हो एक दूसरे के वो कलर के सरफेस एक दूसरे के नेबर हो ठीक है इस तरह की कलरिंग को हम गुड कलरिंग बोलेंगे तो पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ गुड कलरिंग्स कितनी होगी अगर के की वैल्यू दी जाए समझ में आ गया क्वेश्चन और आंसर बहुत बड़ा हो सकता है तो 10 की, 9 7 है. Now, तो अगर की बात करें तो अगर क्वेश्चन हम देखें का ठीक है कुछ सिमिलर uh, तो मान लो मेरे पास चार पोजिशन है और इन चार प्लेसेस को मुझे जीरो से लेके नाइन तक के डिजिट्स से फिल करना है ठीक है सभी डिजिट्स अवेलेबल है तो और एक कंडीशन इसमें और क्या है कि मुझे इन चार पोजिशन को इन डिजिट से फिल करना है और दो नेबरिंग डिजिट्स सेम नहीं होने चाहिए ठीक है ये कंडीशन है तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करते थे हम सबसे पहले कोई भी एक बेस जो पोजीशन है उनको कैच करते थे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पोजीशन। अब यहाँ पे यहाँ पे कौन सा नंबर होगा वो डिफाइन नहीं है लेफ्ट साइड में कोई नंबर है नहीं तो हम क्या कहते थे कि यहाँ पे सारी टेन पोजिशन अवेलेबल है ठीक है कोई भी नंबर रख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है मान लो यहाँ पे मैंने रख दिया फोर अब क्योंकि हमें नेबर्स को सेम नहीं रखना और यहाँ पे फोर आ गया है तो यहाँ पे मैं सभी डिजिट्स यूज कर सकता हूँ लेकिन फोर को नहीं कर सकता तो इस पोजिशन के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है नाइन मान लो मैंने यूज़ कर लिया सेवन अब यहाँ पे मैं कोई भी डिजिट यूज कर सकता हूँ सेवन को नहीं कर सकता तो यहाँ पे भी नाइन पॉसिबिलिटी मान लो यहाँ पे भी फोर ले लिया सिमिलरली यहां पे भी मैं कोई भी डिजिट यूज कर सकता हूं फोर को नहीं कर सकता तो यहां पे भी नाइन पॉसिबिलिटी टोटल टेन है डिजिट्स लेकिन फोर को यूज नहीं कर सकते तो नाइन मान लो यहां पे आ गया एट तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नाइन क्यूब इन टू टेन टोटल इतनी पॉसिबिलिटी होगी ठीक है तो अगर हम इसी कंसेप्ट को अप्लाई करें हमारे क्वेश्चन में मान लो हमारा जो बाइनरी ट्री है वो कुछ ऐसा है ठीक है अब अगर हम यहां पे बेस कंडीशन को देखें वहां पे जैसे हमने फर्स्ट डिजिट को फिल किया था यहां पे मान लो K1 है तो सिर्फ एक ही नोड होगा ठीक है तो अगर हम इस एक को फिल करने की कोशिश करें पहले अगर वहां पे भी अगर देखें तो आइडिया कैसे आया होगा मान लो एक ही पोजिशन को फिल करना है तो टेन मेरे पास ऑप्शन है अब दो को फिल करना है तो यहां पर नाइन आ गया होगा ठीक है सिमिलरली मान लो के इक्वल टू वन है सिर्फ एक ही नोड है तो कितनी पॉसिबिलिटी है छह कलर्स यूज कर सकते हैं क्यूब के सभी के सभी के तो यहां पे सिक्स पॉसिबिलिटी है अब आगे क्या बोला गया है कि जो भी एजिस से कनेक्टेड है नोड उनके जो कलर्स होंगे वो रूबिक्स क्यूब में नेबर्स होने चाहिए अब मान लो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर यूज किया है ठीक है तो कोई भी कलर होगा कोई भी सरफेस होगा रूबिक्स क्यूब में उसके टोटल चार नेबर्स होंगे वो खुद अपना नेबर नहीं हो सकता और ऑपोजिट साइड नेबर नहीं हो सकती बाकी की चार साइड उनकी नेबर होगी सभी के लिए तो यहां पे मैंने कोई भी कलर यूज किया होगा मान लो ब्लू तो यहाँ पे उसका नेबर ही आना चाहिए जो भी नोड उससे एज में कनेक्टेड है वहां पे उसका नेबर ही आना चाहिए नेबर कलर इन रूबिक्स क्यूब तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है चार सिमिलरली यहाँ पे भी चार की पॉसिबिलिटी है ठीक है अब मान लो यहां पे मैंने कोई भी कलर यूज किया हो लेकिन इससे जो कनेक्टेड नोड है ये ये तो फील हो गया है यहां पे वही कलर आना चाहिए जो रूबिक्स क्यूब में इस कलर का नेबर हो यहां पे जो भी कलर यूज हुआ होगा उसके नेबर कितने होंगे रूबिक्स क्यूब में चार तो यहां पे भी चार पॉसिबिलिटी यहां पे भी चार यहां पे भी चार यहां पे भी चार, चार सिमिलरली यहां पे भी चार 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 सभी जगह चार पॉसिबिलिटी तो हमारा आंसर क्या हो गया यहां पे सिक्स पॉसिबिलिटी सिक्स इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर ये कितनी टाइम्स टोटल नंबर ऑफ नोड्स माइनस वन टाइम्स ठीक है टोटल नंबर ऑफ नोड्स में से ये एक ऐसा है जहां पे सिक्स पॉसिबिलिटी है तो सिक्स बाकी सब में चार पॉसिबिलिटी तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स माइनस वन अब गिवन के के लिए टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं क्वेश्चन में ही दिया है फर्स्ट फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में कि के कोई भी के दिया है इनपुट में तो टोटल नंबर ऑफ टू की पावर के माइनस वन होंगे ठीक है वेरीफाई भी कर सकते के इक्वल टू वन के लिए एक नोड होगा के इक्वल टू टू के लिए तीन नोड होंगे फिर के इक्वल टू थ्री के लिए सेवन नोट्स होंगे ठीक है ओके okay. तो इसको हम लिख सकते हैं सिक्स इंटू फोर टू पावर टू के माइनस वन ये तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स है ये क्या है टोटल नंबर ऑफ नोट्स माइनस वन माइनस वन इसका मतलब सिक्स इंटू फोर टू पावर टू टू पावर के माइनस टू ये हमारा आंसर हो गया ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आओगे यहां पे छह पॉसिबिलिटी है, फिर बाकी सब में चार पॉसिबिलिटी है क्यों? क्योंकि कोई भी कलर हम एक नोड में सिलेक्ट करेंगे तो उनके जो नेबर्स होंगे रूबिक्स क्यूब में वो होंगे चार तो इससे जो भी कनेक्टेड नोड होगा वहां पे भी चार पॉसिबिलिटी होगी यह इंडिपेंडेंट नोट है क्योंकि सबसे पहले हमने कलर किया है बेस है तो यहाँ पे छः पॉसिबिलिटी सो सिक्स इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर अप टू टोटल नंबर ऑफ नोट्स माइनस वन टाइम अब गिवन के के लिए टोटल नंबर ऑफ नोट्स है टू की पावर के माइनस वन सो फोर सिक्स इंटू फोर टू दावर टू की पावर के माइनस वन टोटल नंबर ऑफ नोट्स माइनस वन क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नोट्स माइनस वन है मतलब सिक्स इंटू फोर टू दावर टू टू के माइनस टू ये हमारा आंसर हो गया अब देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे तो अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमें कैलकुलेट क्या करना था सिक्स एंड टू फोर टू दावर टू टू दावर के माइनस टू ये कैलकुलेट करना था तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है टू टू दावर के तो हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा अब के की वैल्यू वन से लेकर सिक्सटी तक है ठीक है तो हम हर एक टेस्ट केस में भी इसको निकाल सकते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेगा लेकिन हम इसको प्री कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है इनपुट किस तरह से पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस और फिर सभी टेस्ट केस के लिए के दिया है तो हम क्या करते हैं टू की पावर के वन से लो मैं टू लेता हूँ ले ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पीओ ऑ ऑफ आई इक्वल टू टू की पावर आई ठीक है अब फॉर आई इक्वल्स टू टू आई इज लेस देन इक्वल टू सिक्सटी i प्लस प्लस पी ओ ऑ ऑफ आई इक्वल्स टू पी of i माइनस वन टू ठीक है तो ये कैलकुलेट हो गया टू की पावर के वन से लेके सिक्सटी तक अब तो बस हमें यही कैलकुलेट करना है ठीक है ओके तो अब हम क्या कर सकते हैं आंसर को ले सकते हैं पहले तो सिक्स ठीक है फिर जैसे ही हमें इनपुट में के दिया होगा तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ नोड्स वो क्या होगा पीओ ऑ ऑफ के माइनस वन क्योंकि पीओ के क्या है टू की पावर के ठीक है अब एक नोड जो पहला होगा वो तो वहां पे सिक्स पॉसिबिलिटी होगी इसलिए आंसर इक्वल टू सिक्स मैंने लिया है अब यहां पे क्या है टू की पावर के माइनस टू ये क्या है पीओ ऑ ऑफ के माइनस वन ठीक है अब ये जो सेकेंड टर्म है मान लो इसको मैं कहता हूं आंसर वन तो ये क्या है बेसिकली फोर टू दावर टू टू दावर के माइनस टू ठीक है तो मैं कह सकता हूं आंसर वन इक्वल्स टू मॉड एक्सपोनेंशियल मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल ऑफ फोर टू द पावर नोड्स माइनस वन अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है अब ये जो है फोर टू द पावर टू टू द पावर के माइनस टू ये जो है टू टू पावर के माइनस टू ये बहुत बड़ा टर्म है तो अगर हम फोर लूप लगाएंगे फॉर आई इक्वल्स टू वन आई एस लेस इक्वल टू 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 दावर के माइनस टू आई प्लस प्लस तो ये टाइम लिमिट दे देगा तो हमें कैलकुलेट कैसे करना पड़ेगा मॉड्यूलर मदद से जो लॉगरिथमिक टाइम में आंसर दे देगा अगर मुझे ए की पावर बी कैलकुलेट करना है तो मॉड्युलर एक्सपोनेंशियल है वो लॉगरिथमिक लॉग बी टाइम लॉग बी टू दी बेस टू टाइम में हमें यह आंसर निकाल के दे देता है ठीक है अभी मैं थोड़ा लाइटली एक्सप्लेन कर दूंगा ये क्या है डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं उसके आप कोड देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो ये क्या कैलकुलेट हो गया ये वाला आंसर वन हमें चाहिए क्या सिक्स इंटू दिस सिक्स क्या है आंसर आंसर वन में मैंने क्या स्टोर किया है ये तो हम क्या प्रिंट करवा देंगे आंसर इंटू आंसर वन मॉड्यूलो मॉड ठीक है आंसर है सिक्स आंसर वन है ये सेकंड टर्म तो हम क्या प्रिंट करवा देंगे आंसर इंटू आंसर वन मतलब सिक्स इंटू दे स्ट मॉड्यूलो मॉड ठीक है अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या है मैं बस यहां पे शूडो को दिखा रहा हूं आ, ये जो है मॉड एक्सपो फंक्शन ठीक है मान लो एल एल लॉन्ग लॉन्ग ठीक है तो ये लॉन्ग लॉन्ग डेटा टाइप रिटर्न करेगा ये दो पैरामीटर्स लेगा एल एल ए और एल एल बी ठीक है अगर हमें कैलकुलेट करना है ए टू दी पावर बी तो हम क्या करेंगे एल एल आंसर इक्वल्स टू वन वाइल बी इज ग्रेटर देन जीरो इफ बी मॉड्यूलो टू इक्वल टू इक्वल टू वन अगर ऑड टर्म है तो आंसर इक्वल्स टू आंसर इन टू ए मॉड्यूलो मोड ठीक है और ये इफ के अंदर है और हर बार हम क्या करेंगे बी को डिवाइड बाई टू कर देंगे और ए को स्क्वायर कर देंगे इन टू ए मॉड्यूलो मॉड तो ये हर बार डिवाइड बाई टू होगा तो हमें लॉगरिथमिक टाइम में आंसर मिल जाएगा मैं यहां पे इसका प्रूफ डिस्कस नहीं कर रहे हम और जैसे ही हम इस वैल्यूब के बाहर आएंगे तो हमारे पास आंसर होगा तो हम क्या कर देंगे रिटर्न आंसर ठीक है तो वो यहां पे ये जो सेकेंड टर्म है वो रिटर्न कर देगा यहां पे नोड्स माइनस वन क्यू लिया है क्योंकि नोड्स में टोटल नंबर ऑफ नोड्स है और फोर पॉसिबिलिटी वाले टोटल नंबर ऑफ नोड्स माइनस वन थे ठीक है एक नोड में सिक्स पॉसिबिलिटी है तो ये करेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस आई थिंक टेन की पावर फोर है मैं श्योर नहीं हूं के की वैल्यू कितनी है सिक्सटी तो टू की पावर के माइनस टू का लॉग क्योंकि ये जो है वो लॉगरिथमिक टाइम में कैलकुलेट होगा तो इसका लॉग लेंगे तो वो वापस आ, के के बराबर हो जाएगा लॉग ऑफ टू की पावर के माइनस टू अप्रोक्सीमेटली के ही हो जाएगा ठीक है और एक लूप लगेगा ये पीओ कैलकुलेट करने में तो बेसिकली सिक्सटी इंटू टेन की पावर फोर सिक्स इंटू टेन की पावर फाइव तो ये इजीली गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है कंसेप्ट भी क्लियर है और जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी क्लियर है इसका जो सोल्यूशन कोड है वो मैंने कॉमेंट्स में प्रोवाइड किया है थैंक यू